जब हनुमान जी ने लंका को जला दिया तो जानकी जी के पास पहुंचे, और जानकी जी के पास पहुंचे तो जानकी जी ने पूछा, क्यों बेटा लंका जल गई, तुम्हारी पूंछ नहीं जली? तो हनुमान जी हाथ जोड़ के बोली, माता। जानकी जी ने कहा, लंका जला के जली न जली, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी, और कौन सा जादू इसमें है भरा, हंसी पूछती है मिथिलेश दुलारी। हे हनुमान जी, लंका जल गई पर तुम्हारी पूंछ नहीं जली। तो हनुमान जी क्या बोले, आंगे ही राघव मेरे हैं, माते आंगे ही राघव मेरे हैं, पीछे है पूंछ रहस्य है भारी, और बंदर को भला पूछता कौन है, प्रभु श्री राम से ही तो है पूंछ हमारी। जानकी जी प्रसन्न हो गई, पर जानकी जी बोली, बेटा एक बात बताओ, अग्नि तो अपना पराया नहीं देखती, वो तो कोई भी हो जला देती है। तो हनुमान जी बोले, माता लंका में कोई साधारण आग नहीं लगी। कौन सी आग लगी? जो अपराध भगत कर कराई, जो श्री हनुमान जी बोले, माता जो राम जी का अपराध करता या राम जी के भक्त का, देखो एक बात बहुत ऊंची बात बोली हनुमान जी ने, राम जी का अपराध कर दो तो शायद राम जी क्षमा कर दें, पर जो राम जी के भक्त का अपराध करते हैं राम जी उसे कभी नहीं छोड़ते, उसे राम रोष रूपी अग्नि में जलना ही पड़ता है। इसलिए माता लंका में राम रोष रूपी अग्नि लगी, पर बेटा अग्नि तो अपना पराया नहीं देखती। हनुमान जी ने जानकी जी के चरण पकड़ लिए, माता अगर अग्नि में जलाने की बात है तो अग्नि में बचाने की भी सामर्थ्यता है। बोले, कैसे? अरे अग्नि में आपसे ही तो राम जी ने कहा था, तुम पावक मह करहु निवासा, और तब लगी करहु निसाचरनासा। राम जी ने आपसे कहा था कि जब तक तुम अग्नि में वास करो, जब तक हम राक्षसों का वध करते हैं, अगर अग्नि जलाने का काम करती है तो बचाने वाली माता आप भी तो विराजमान थी, तो आपने बचा लिया। हा हा हा। और पूरी लंका में हनुमान जी की पूंछ की चर्चा, पूंछ ही पूंछ, रावण की दसों मूछ होकर गई हनुमान जी की पूंछ से। अब पूंछ की चर्चा पे ध्यान आई तो पूरी कथा सुनो, रावण पूरी जिंदगी भर अगर हैरान रहो तो हनुमान जी की पूंछ से पूरे युद्ध भर, क्योंकि रावण को पता था कि अगर हम युद्ध हार रहे, गेम हार रहे, चुनाव हार रहे, तो इनकी पूंछ के कारण, बोलो सीताराम, वरना हम जीत जाते। अब पूंछ इतनी खतरनाक, रावण भी इतना क्रुद्ध हो गया था पूंछ से। हमने सुना कि जब लंका का युद्ध चल रहा था, राम जी युद्ध करने आए तो हनुमान जी जामवंत दधिमुख के हरि अंगद नल नील आदि आदि बानर आए। रावण ने एक स्पेशल टीम गठित की कि बंदर को जिंदा या मुर्दा पकड़ लिया जाए। तो चार प्रकार की सेना आई, हथ सवार, घुड़सवार, ऊंट सवार और पैदल। हाथी पर बैठकर, घोड़े पर बैठकर, ऊंट पर बैठकर और पैदल, चार प्रकार की सेना आई। ये सेना स्पेशल राम जी के लिए नहीं, हनुमान जी की पूंछ पकड़ बे आई। राम जी चिंता में बैठे, इतनी लंबी सेना, हमारे बानर कम है, कहीं मारे ना जावे। हनुमान जी बोले, आप चिंता मत करो, हम अकेले काफी हैं। हनुमान जी जब जाने लगे तो लक्ष्मण जी बोले, कम से कम मुगधर तो ले जा, कछु हाथ में अस्त्र शस्त्र ले जाओ, मारबे के लाने। हनुमान जी बोले, जरूरत नहीं है उनको, सामान उन्हीं को काफी है। मानो हनुमान जी कहना चाहते हो कि उनका सामान राक्षसों का सामान राक्षसों का ही काफी है। और धन्य है वीर बजरंगबली, ऐसे बजरंगबली तुम कभी देख ही नहीं सकते हो। उन्हीं की लंका, उन्हीं को तेल, उन्हीं को कपड़ा, उन्हीं को घी, उन्हीं की आगी, बार के बब्बाजू चले आ। भाई कोई किसी का घर जलाने जाएगा तो माचिस ले जाएगा, तेल ले जाएगा, पेट्रोल ले जाएगा, तब घर जलाएगा। पर धन्य है वीर बजरंगबली, उन्हीं की लंका, उन्हीं को तेल, उन्हीं की माचिस, उन्हीं को घी, उन्हीं की आगी, उन्हीं ने छुबाई बब्बाजू, बार के मिस कॉल सी मार के आ गए। धन्य है हनुमान जी,
धन्य है। तो हनुमान जी महाराज बोले, क्या हमको जरूरत ही नहीं है कुछ सामान की। अब देखना जरा, बहुत गौर से सुनना आज की कथा। हनुमान जी ने कैसे मारा, हाथी सो हाथन ते मारे, ऊंटन तो ऊंटन संगारे। एक हाथी के दो पांव पकड़े, दो गेर के घुमा दो, और गेर के घुमा के दूसरे हाथी पे दे मारो, दोनों की ठटरी भर गई। दो ही स्वाहा। अब ऊंट से कैसे मारा, एक ऊंट पकड़ा, दो पैर पकड़े, और गिर के हुए चगन मगन चक्र सुदर्शन सो बना के और घुमा के जहां पैदल सेना हती है ऐसी भीड़ में फेंक दो। अब एक ऊंट गिरे ही पंडाल में बीच में, कई जनन की तेरे ही हो जाने। ऐसे ही हनुमान जी महाराज ने कई जनन की तेरे ही कर दी। हाथी से हाथिन तो मारे, ऊंटन तो ऊंटन संगारे। ऊंटों को ऊंटों में लड़ा दिया, हाथी को हाथी में लड़ा दिया। अच्छा आगे से चमत्कार कर रहे जो तो ठीक है, पाछे की सुनो। पूंछ, हनुमान जी मुड़ जाए, पूंछ को एरिया 1.5-2 किलोमीटर को लंबो कर ले, और जितने बंदवे में आवे सो सीधे खट्टे 20-25 हजार के मूड़ बांध के करो दबा के गोविंदाय नमो नमः। रावण तो आज खुशहतों के बंदर पकड़ लिया गया होगा। संवाददाता आए, रावण ने पूछा क्यों भाई कहां है बंदर। संवाददाता बोले वो तो होता ही है। बोले सेना, बोले सेना तो सब मर गई। रावण बोले इतनी सेना कैसे मर गई। अरे बोले हुजूर उस बंदर के सामने टिकना मुश्किल है। रावण चिल्ला के बोले मूरख है, दसों मुंह से बोला रावण मूरख है, जो सामने से गए पाछे से जाते। संवाददाता बोले सामू बारे तो कछु देर टिका ही गए, देख ही लो के मुंह कैसे है आंखें कैसी, पाछे बारे तो टिका ही नहीं पाए। रावण बोला कैसे, बोले पूछ। रावण बोले चुप हो जा, पूंछ का नाम मत लेना मेरे सामने वरना मैं मार दूंगा। संवाददाता बोले नहीं लेंगे, भाड़ में जाओ। और रावण पूंछ के चक्कर में रात भर नहीं सोया। अच्छा बात भी सही है, रावण को लग रहा कि लंका में पूंछ हमारी होनी चाहिए, पूंछ हनुमान जी की हो रही। आगे तो पूंछ ही की है, इस संसार में जितनी भी लड़ाई है सब पूंछ की लड़ाई है। पूंछ का मतलब कोई पूंछ नहीं, पूंछ का मतलब होता है प्रतिष्ठा। तो प्रतिष्ठा का ही तो खेल है। हम लोग कहने लगते ना इनकी पूंछ तो इतन से दिल्ली लो है, इसका मतलब पूंछ थोड़ी है, प्रतिष्ठा को ही पूंछ कहते हैं। रावण को रात को नींद नहीं आई। अब रावण ने क्या किया, दूसरे दिन रावण ने खतरनाक सेना भेजी। कौन सी, अजर अमर सेना भेजी, जो मरेगी ही नहीं। और सेना को स्पेशल कहा, सुना बंदर को जिंदा या मुर्दा लेकर के आना। सेना बोली जी हुजूर। अब सेना गई, राम जी चिंता में बैठे, विभीषण जी बैठे, जामवंत जी बैठे, हनुमान जी पहुंच गए। मौका ये लटकाए जामवंत जी तुम। जामवंत जी बोले बड़ो खतरा को काम है। का होगा, आज अजर अमर सेना आ रही रावण की, मरना है नहीं, अब लड़ेगा कौन, बंदर मारे जाएंगे। हनुमान जी तुरंत उठ के बोले प्रभु हमें आज्ञा दो, हम जा रहे हैं। राम जी बोले भैया वे अमर हैं। हनुमान जी बोले हम भी अमर हैं। लक्ष्मण जी बोले जो बताओ भाई साहब तुम कब अमर हो गए। बोले जब हम लंका गए थे तब माँ जानकी जी ने हमें आशीर्वाद दिया था, अजर अमर कोने निधि सोते हो श्री हनुमान जी बोले हम भी अमर हैं। लक्ष्मण जी ने ताली बजा दी, इन्हें जान दो भाई साहब, अब बढ़िया रहो, अमर अमर की लड़ाई बढ़िया है, दो ही जने एक से अजर जाने, जान दो जान दो जान। विभीषण जी बोले जो बताओ बच जे हो। हनुमान जी बोले कछु नहीं होने। हनुमान जी गए, हनुमान जी युद्ध भूमि में खड़े हो गए, रावण की अजर अमर सेना आई। और जैसे ही आई तो विभीषण जी ने धक्का मार के कहो भाई आ गई, लड़ो, पेड़ो उखाड़ो, पथरा लियो। हनुमान जी बोले काहे से इसमें इसमें लड़ो, पसीना बहाओ, इन्हें मन में है ही नहीं है आगे के लगन, बेफिजूली में पसीना क्यों बहाए।
इन्हें मरना है नहीं, तो पसीना क्यों भेजें? बहन क्या करोगे? हनुमान जी लड़े नहीं, हनुमान जी ने क्या किया? सेना से लड़े नहीं, क्योंकि अमर है, इसे मरना है नहीं। हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई, अब पूंछ बढ़ा के जितनी सेना हती एक ही में लपेट ली। दो तीन संवाददाता पत्रकार और फंस गए रावण के, जोन माइक आई के लेते रावण के बे और ले पड़ गए। सोई भी चिल्लाए, महाराज मोह छोड़ दियो, मोरे लो तो आइडेंटिटी कार्ड है, मैं लड़वे नो आओ जी आया जी। तो हनुमान जी बोले तुम्हें तो हम छोड़ दे भी, लेकिन एक आध और ले हो तो हुए पकड़ के ले आओ। संवाददाता बोलो हम दो पकड़ के ले आए, हमें मर छोड़ दो, हमारे लो आइडेंटिटी कार्ड। हनुमान जी ने उन पत्रकारों को छोड़ दिया, दो पत्रकार ले पड़ी गए बीच में। हाँ, अब जब पूंछ से बांधो बजरंगबली ने सूख के गात, जितनी सेना हती सबरन के मौ सूख गए, कपन लगे सबरे। तो संवाददाता ने माइक लगा दो कि तुम का यह कपन आए, तुम्हें कौन मन नहीं है, मरना तुम्हें है नहीं, तुम का कांप रहे बेफिजूली में। अजर अमर सेना बोली जो तो पतो है कि मन ने नहीं है, पर जो नहीं पतो कि इन भाई साहब के चक्कर में अब जाने कहां है। हनुमान जी लड़े नहीं, मरना तो उस सेना को था ही नहीं। बजरंग बली ने क्या किया जरा देखना, बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धि में सबसे श्रेष्ठ हनुमान जी हैं। हनुमान जी ने क्या किया, एक पैर आगे रखा एक पैर पीछे रखा, पूंछ में जितनी सेना थी सो गेंद सी घुमाई पहले तो चार पांच बेर, सो सबरन के पसीना छूट गए। और जैसे ही चार पांच बेर बजरंग बली ने गेंद सी घुमाई और जय श्री राम बोल के हनुमान जी ने ऊपर छोड़ दी, सरसरात सेना गुरुत्वाकर्षण सीमा पार कर गई। हनुमान जी बोले अब लटके रहा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? ऊपर भले ही लटके रहो तुम नीचे तो आ ही नहीं सकते हो, हमारे राम जी का काम सफल हो जाएगा। निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण की, पूरी सेना गुरुत्वाकर्षण सीमा पार कर गई। लेकिन रावण तो आज प्रसन्न था, ये सेना मर तो सकती नहीं, बानर पकड़ लिया गया होगा। दो ठैया संवाददाता आए, रावण ने पूछा क्यों कहां है बानर? हाथ जोड़ के संवाददाता बोले बे तो होता ही है, सेना अब मर गई तो कह नहीं सका था। सो हाथ जोड़ के संवाददाता बोले जात तो देखी पर गई कहां जो नहीं है पता। रावण चिल्ला के मुड़ी इतनी भारी सेना कहां चली गई? संवाददाता बोले अगर हम बताएंगे तो वे नाराज हो गए। रावण बोला गई कैसे इतनी सेना? संवाददाता बोले वही तो कह रहे अगर हम बता दे भी तो नाराज। रावण बोले नहीं होंगे बताओ। संवाददाता बोले पूछ। रावण बोले चुप हो जा पूछ मत ले, पूछ का नाम मत ले। संवाददाता बोले गई वही में है अब की को ना ले रही।